नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आज आपकी 6 मई 2024 की है और आज की सभी अपडेट की बात एक एक करके इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अपडेट, आयोग के सामने जून से दिसंबर तक 15 से अधिक परीक्षाएं कराना जो है वो चुनौती है। परीक्षाओं में प्रश्न पत्र जो है उसकी मेन सुरक्षा को लेकर के जो विशेष इंतजाम है वो लगातार किए जा रहे हैं, जिसमें आरओ पेपर लीक प्रकरण के लिए आयोग भरत राय सतर्कता, प्रयागराज न्यूज है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने जून से दिसंबर के बीच में 15 से अधिक परीक्षाओं का आयोजन एक बड़ी चुनौती जो है वो होगा। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक के बाद आयोग आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने में जुटा है, ताकि पेपर लीक जैसी जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इसके अलावा चुनाव बाद परीक्षाओं का जो आयोजन है उसके साथ ही आयोग सम्मिलित जो राज्य अभियंत्रण सेवा करती है उसके लिए भी विज्ञापन जारी कर सकता है। 11 फरवरी को हुई थी आरओ की एग्जाम, उसको लेकर के बताया गया है कि आयोजन 11 फरवरी को जो है ये प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के हुआ था। पेपर लीक प्रकरण के कारण परीक्षा सदन ने निरस्त कर दी थी। साथ ही 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो है, 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक प्रारंभिक परीक्षा, 7 अप्रैल को प्रस्तावित नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा, 9 अप्रैल को प्रस्तावित आपका अपर निजी सचिव परीक्षा और 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथी परीक्षा भी आपकी स्थगित जो है वो हो गई थी। ये परीक्षाएं भी आपकी जो है वो कराई जानी है। इसके अलावा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा भी आरक्षित तिथियों को कराई जानी है। इसके अतिरिक्त यूपीपीएससी के कैलेंडर में जून से दिसंबर तक 9 परीक्षाएं प्रस्तावित है। कई भर्तियों के लिए अधियाचन मिलने के बाद विज्ञापन जारी करना है। ऐसे में आयोग के सामने 15 से अधिक टोटल परीक्षाओं का आयोजन कराना है। आयोग प्रश्न पत्र कई स्तरीय सुरक्षा को लेकर लगातार तैयारी में कर रहा है और सूत्रों का कहना है कि चुनाव के बाद परीक्षाओं के आयोजन के साथ लंबे सेट की जो भर्ती है उसके लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। ऐसे में भी पूरा ध्यान जो है वो परीक्षा की सुरक्षा को लेकर के बात की जा रही है। अगली अपडेट, प्राचार्य नियुक्ति में डिग्री और शोध पर 80 अंक। राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में प्राचार्य नियुक्ति की नियमावली की अधिसूचना राजभवन ने जारी कर दी है, जिसमें प्राचार्य नियुक्ति के लिए प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर आवेदन कर सकेंगे। न्यूनतम 15 वर्षों का आपका यहाँ पर पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। 20 अंक इंटरव्यू के लिए भी इसमें जो है वो निर्धारित है और राजभवन ने इसको लेकर के नियमावली जो है वो जारी की है। बाकी डिटेल में अगर देखेंगे तो न्यूनतम 110 स्कोर भी होना चाहिए। एकेडमिक और रिसर्च के लिए कुल 80 अंक, इंटरव्यू के लिए 20 अंक, आवेदन की अधिकतम आयु 60 साल, आरक्षण रोस्टर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी और 200 कॉलेज हैं जिनमें प्राचार्य के पद आपके खाली हैं। अगली अपडेट, शिक्षा विभाग के साथ सभी कुलपतियों की बैठक आज, यहाँ पर सोमवार को शिक्षा विभाग और सभी जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों समेत अन्य पदाधिकारियों की बैठक जो है वो होगी। इसमें शैक्षणिक सत्र के सुचारू रूप से संचालन, परीक्षा फल प्रकाशन के साथ साथ अन्य विषयों पर चर्चा जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बाकी इधर देखेंगे तो शैक्षिक सत्र के सुचारू संचालन पर होगी बात, विश्वविद्यालय को लेकर प्रस्तुतिकरण भी होगा। अगली अपडेट, नीट प्रश्न पत्र लीक की आशंका। केंद्रीय एजेंसियों की सूचना पर पटना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कराई और 8 संदिग्ध जो है वो उठाए गए हैं और शेखपुरा के केंद्र पर 1 घंटे बाद बदला गया प्रश्न पत्र। दानापुर के राखी के मोबाइल पर शनिवार शाम भेजी गई पेपर की स्कैन कॉपियां मिली हैं। हाजीपुर से नीट परीक्षा में दूसरे की जगह शामिल फर्जी परीक्षार्थी धराए गए, मुजफ्फरपुर का निवासी है। अगली अपडेट, आरओ पेपर लीक में पुलिस ने तामील कराया वारंट बी। यहाँ पर प्रयागराज पुलिस ने जो आरोपित है उन पर कसा शिकंजा है, जिसमें पुलिस ने मेरठ और कौशाम्बी जेल में बंद मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा, उसके सहयोगियों को वारंट बी तामील करवाया है। अब सभी को कोर्ट में पेश करके रिमांड बनाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस कस्टडी रिमांड पर जो है वो पूछताछ की जाएगी। एग्जाम रद्द हो गया तो वो आपको पता ही है। अगली अपडेट, एपीएस भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी नहीं करेगा लोक सेवा आयोग। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी जानकारी, जिसमें यूपीपीएससी ने इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट जो है वो की है कि उत्तर कुंजी वो जारी नहीं करेगा और प्राप्तांक और कट ऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद जारी जो है वो किए जाएंगे। आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में ये जानकारी जो है वो दी है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।